बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बासित भाई और फियाज भाई, अभी इरादा हुआ था हमारा सूप पीने का, मैंने नमाज़ पढ़ ली है। बासित भाई और फियाज भाई अभी नमाज़ पढ़ते हैं। काफ़ी दिनों से मूड बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह सूप पीने का, तो आज इंशाल्लाह सूप पीते हैं। सुबह तो मौसम काफ़ी ठंडा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मौसम है और सीन भी काफ़ी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बासित भाई ने नमाज़ पढ़ ली है और वो बाहर आ चुके हैं। अभी फियाज भाई अंदर हैं, इंशाल्लाह वो भी जैसे नमाज़ पढ़ते हैं और इंशाल्लाह आज मज़ेदार सा जो सूप है वो इंजॉय करते हैं। और धुंध के अंदर ज़्यादा मज़ा आता, कल धुंध पड़ी थी, कल जो था प्लान हमने कैंसिल कर दिया था, भी सही इरादा, लेकिन एंड पे हमने कैंसिल कर दिया और आज का इरादा बनाया। मेरा इरादा भी कैंसिल करने का बन रहा है, चूँकि धूप वो धुंध तो है नहीं, बादल हैं। नहीं नहीं नहीं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह सूप लाजमी पियेंगे। तो फियाज भाई माशाल्लाह से वो भी आ चुके हैं, नमाज़ पढ़ ली है। तो फियाज भाई आपने तो सूप नहीं पीना आज? भाई जान, आज सूप पीना है और वासिफ भाई के साथ गपशप करनी है, क्योंकि आज बड़े अरसे के बाद दोबारा मुलाकात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो रोशनी नहीं थी, एक ऊपर वाला बल्ब भी जला दिया गया और ये भी लैंप जला दिया गया है। हमारा इरादा बन रहा है बुफे का, लेकिन खाना खाया हुआ है, बुफे अभी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी बुफे अगर खाया तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पैसे वसूल नहीं होंगे। बुफे खाने के ऐसा पैसे वसूल उस टाइम होंगे जब बंदा ज़्यादा भूखा हो। भूख भी होनी चाहिए, उसके लिए कम से कम आपको एक दिन पहले खाना छोड़ देना चाहिए। भाई तैयारी फुल करके आनी चाहिए उसके लिए, बुफे के लिए। तो मेन्यू मैंने उठा लिया है और हमने सिर्फ जाना है सूप तक, इससे आगे नहीं जाना। और जो सूप है जनाब, हाफ है 410 का, जो हमने लेना है बारबेक्यू टुनाइट स्पेशल सूप। और जो फुल है 775 का, अगर हम हाफ लें तो उसमें तीन बाउल हो जाएंगे, एक 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 बाउल तीन बंदे पी सकते हैं, लेकिन क्योंकि खाना नहीं खाना तो इंशाल्लाह सूप ही ज़्यादा पियेंगे, दो दो बाउल भर के पियेंगे। बाजी भाई आप दो बाउल पियेंगे एक बाउल? नहीं, इंशाल्लाह जितना तकरीबन मैं आपसे ज़्यादा ही पीऊँगा, दो या तीन, जितना देखते हैं कितना खा पी सकते हैं। और प्याज भाई भजन देखेंगे, अच्छा लगा तो दो या तीन पी लेंगे, आपको पीने नहीं देंगे हम। फिर मैं जाऊँ? अभी चले जाओ यार, मुझे अभी से भेज रहे। नहीं मैं नहीं, अभी अभी रुके, अभी पहले फैसला होने दें, कैसे लगता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता। मैं ऐसे आपको भगा दूँ अच्छी बात नहीं, अभी बैठे हैं, अभी आप हमारे भाई हैं, ठीक है। मेरी दुआ है कि फियाज भाई को अच्छा ना लगे, ताकि हमारे से भी ज्यादा मैं चला जाऊं। तो ये ठीक है, ये बासी भाई मेरे साथ है जबकि फियाज भाई मुझके बगाने पे तुले हुए हैं। तो सामने मैच भी चल रहा है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का ओडीआई मैच, वो भी आजकल मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं है। बासी भाई आपको इंटरेस्ट है टीम मैच? इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ओडीआई हो रहे हैं। इंटरेस्ट ये इंटरेस्ट का लेवल चेक करें मेरा। माशाल्लाह से आ चुका है जी, बाउल आ चुके हैं, सामने सॉसेज आ चुके हैं, पानी भी आ चुका है और इंशाल्लाह बता रहे हैं बहुत जल्द आ जाएगा सूप और टाइम नहीं लगेगा, ताकि हम जल्दी जल्दी वापस जा सके। तो हमने पानी नहीं पीना था, लेकिन फियाज भाई ने बोतल खोल दी है, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगने हैं, हम उससे बचना चाह रहे थे। तो पानी है वो हमें महंगा मिलता है, इसलिए हमने कहा कि बगैर पानी के गुजारे करते हैं, लेकिन फियाज भाई ने खुलने के बाद बताया गया है। तो फियाज भाई कह रहे थे कि मुझे पहले पता था, मैं टूटी से पिया था पानी, मैं मस्जिद साथ खड़ी है भैया, वहाँ से पिया था, मुझे क्या पता, इसके पैसे लगने हैं। चलो खोल लिया, दिल मेरा भी कर रहा था पहले पीने का, लेकिन मैंने कहा यार बचाते हैं इसको जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, लेकिन हम खुल गया तो फिर पीते हैं वासी भी। आपने पिया वासी भाई? इसको भैया बल्कि साथ लेके जाएंगे आप इसको। हाँ हाँ, तो छोड़ता कौन है भाई, छोड़ेंगे नहीं। जनाब गर्मा गर्म सूप आ चुका है और इसके अंदर से धुएं निकल रहे हैं, साथ में आ चुके हैं मज़ेदार से क्रैकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितने धुएं निकल रहे हैं और बहुत मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है ये, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से बासित भाई के पीछे लगा हुआ था कि बासित भाई सूप पीने चलते हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सूप पियेंगे। तो मैंने अपना बाउल फिल कर लिया है और इधर सेल्फ सर्विस है और अपना अपना ले और पिए, कर ये खाते हैं। इंतहाई गर्म है, छास आ रही है, और अगर फुल सर्दियां हो और धुंध हो और बारिश भी हो, इसका पीने का मज़ा अलग ही है। कैसा टेस्ट है वासी भाई? बढ़िया
बड़े शानदार, बड़ा ही मजेदार। इसको मैं थोड़ा सा स्पाइसी करने लगा हूँ, बासी भाई करने लगे, चिली सॉस डालते भाई जान। ये देखो मैं अभी थोड़ा सा डाला है, अभी टेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं फिर अगर पसंद आया तो सारा फिर मैं अपने पास रखूँगा, फिर इनको नहीं दूंगा फिर। तो हम कोशिश करते हैं आपको पसंद ही ना आए। चिली सॉस मुझे बड़ा मज़े का लगता है, सॉसेज है सारे ये, और उसके बाद चिली सॉस है, उसके बाद रेड चिली है, और मेरे ख्याल से ब्लैक पेपर है। सॉसेज सारे आ चुके हैं मेरे पास, और जनाब सॉस जो है मैं सिर्फ चिल्ली सॉस लूँगा, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा मज़े का आता है। कच्ची कच्ची मिर्चें सिरके के अंदर बड़ी चस्कर आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये टेस्ट ना मेरे मुंह में अक्सर आता है और मुंह में पानी आ जाता है, कच्ची मिर्चें चबा के खाने का मज़ा बड़ा आता है। इसमें जो मशरूम डली हुई है ना, इसके टेस्ट को इसने बड़ा ही मज़ेदार कर दिया है। मज़ेदार, ये जो इनका स्पेशल सूप है बारबेक्यू टुनाइट का, और इसमें मशरूम है, चिकन है, बाकी एग है, और बाकी जो सूप में यूज़ होती हैं चीज़ वो भी हैं, बाकी पता नहीं क्या क्या होगा इसके अंदर। प्याज भी आपने नहीं लेनी भाईजान, बहुत अच्छा है भाईजान, ठीक है ना, अब साथ मिलके खाएंगे आप, क्योंकि साथ आए हुए हैं अब तो। नहीं, आपने सॉसेज ले रहे हैं? मैं ये ले रहा हूँ भाई, देख के ले रहे हैं, मिर्चे बहुत ज़्यादा है, ले रहा हूँ। शुरू करते हैं मज़ेदार सा सूप, साथ में क्रैकर है वो भी थोड़े देर लेते हैं। बहुत गर्म है, इतना दिल कर रहा है जल्दी जल्दी खा लें, लेकिन जो गर्म बहुत ज़्यादा, ज़बान मेरी जल चुकी है। प्याज भाई ने जो पहले लिया था थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, और अब माशाल्लाह से भर ही जा रहे हैं, और मैंने अभी तक कुछ खाया ही नहीं है सूप, और मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ, मुझे करना है ज़्यादा स्पाइसी इसको, तो इसमें और डाल लेते हैं जी मज़ेदार की जो मिर्चें, कच्ची हरी मिर्चें, और पहले मैं मिर्चें नहीं खाता है, लेकिन जब से मैंने सूप पीना शुरू किया है तो मुझे कच्ची मिर्चें ज़्यादा मज़े की लगती हैं। बासी भाई आप भी लेंगे? बात ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह और लेते हैं। बासी भाई ने भी इतना सारा ख़त्म कर लिया, और प्यार भाई ने भी यार दूसरा बाउल ले लिया, लेकिन अभी मैंने पहला नहीं किया, ख़त्म किया तो भाई मैं वीडियो बंद करने लगा हूँ, और इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करके दूसरा बाउल जब भरूँगा फिर इंशाल्लाह वीडियो शुरू करूँ। तो इस लिहाज से मुझे आपने हरी मिर्च सारी डाल दी है, छोड़ा कुछ नहीं है, बड़ी मज़े की लग रही है, और मेरी आंखों से जो है ना पानी भी आ रहा है, इतनी ज़्यादा स्पाइसी है, और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इस स्पाइसी के चक्कर में मैं पीछे रह चुका हूँ। बासी भाई अपना दूसरा बाउल भर चुके हैं, और अभी जो है थोड़ा सा रह गया, लेकिन मेरे से ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, और भाई जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसे। तो जनाब बासी भाई ने और लिया और वो भी ख़त्म कर दिया, और प्याज भाई ने मेरे से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो जनाब मैं जितना खाना है वो ले लेता हूँ, हुआ वही है कि मेरे हिस्से में कुछ नहीं आना, इसलिए भाई जितना खाना सुकून से बैठ के खाता रहूँगा, लेकिन ज़्यादती हो रही है मेरे साथ। ठीक है बस इतना ही खाएंगे, बहुत तेज़ खाते हो यार। प्याज भाई आप तो पहली दफ़ा आ रहे हो, फिर भी भाईजान बहुत अच्छा लग गया ना, इसलिए खा ले। माशाल्लाह से दोनों पी चुके हैं, और मेरा बाउल अभी तक इतना पड़ा है, मैं अभी पी रहा हूँ, और प्याज भाई असल में ठंडा हो जाए ना, ये मज़ा नहीं करता भाई, गरम इतना गरम चस है। अभी भी गरम गरम है, मैं मेरी ज़बान तो जल गई है, लेकिन चस आ गई है। प्याज भाई पहली दफ़ा इन्होंने क्या किया है मुझे समझ नहीं आई यार, पहले ये बहुत टेस्टी था, इसलिए भाईजान मैंने आपको पहले भी कहा था अगर मुझे पसंद आया तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा भाई, लेकिन इसलिए मैंने ये बाउल भर के पहले ही रख लिया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मैंने भी फाइनली अपना जो बाउल है ख़त्म कर दिया है, ये बाउल बड़े वाला ख़त्म, और ये दोनों बैठे हैं, ये भाई और वो भाई, इन दोनों ने ख़त्म किया है। माशाल्लाह से आ चुके हैं गुलाब जामुन, तीखा खाने के बाद मीठा, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह, और गर्मा गर्म है इंशाल्लाह, इसे भी इंजॉय करते हैं, और साथ इसी में से प्लेट में ना डालें, इसी में से डालें इसको। चलो हाँ ये भी ठीक है, अब प्लेट में डालें फिर उसे खाएं, और इसी के अंदर बाउल के अंदर रहने देते हैं, और उसी को खा लेते हैं, गर्मा गर्म है, खीरा इसके अंदर है, और मुझसे रहा नहीं जा रहा, देखिए बाकी भाई इससे रहा नहीं जा रहा, तो गर्म है गर्म है, ख्याल करें भाई। गुलाब जामुन से मेरा मुंह जल गया, बताया किसी ने गरम गरम है, इतना अंदाज़ा नहीं था, और
बहुत ज़्यादा गर्म थी और फयाज भाई ने मुझे बाद में बताया जब मैंने खा लिया है। बहुत शुक्रिया आपका बाद में बताने का। सर ऐसे भी दोस्त होते हैं जो खाने के बाद बता रहे गर्म है और मेरी ज़बान जल चुकी है। पहले मुँह जल गया था और देखे मासी भाई फिर मैंने इनकार किया लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं फिर खा रहा हूँ। बड़ा मज़ा आ गया, बहुत ही मज़े किए और ना आए ऐसा लग रहा है जैसे सैर हो के खाया है। बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ दीजिए आज का व्लॉग जो गुलाब जामुन के आखिरी बाइट से करते हैं ख़त्म, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अस्सलामुअलैकुम।